हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो यू विल लर्न एल्जब्रिक एक्सप्रेशन तो एल्जब्रिक एक्सप्रेशन क्या है एक एग्जांपल लेते हैं थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस टू एक एल्जब्रिक एक्सप्रेशन है एल्जब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं जब किसी हम स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो सिम्बल्स हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड या फिर नूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास पूरी एक टर्म बनती है थ्री एक्स एक टर्म है फाइव वाई इस एल्ज्रिक एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म है और टू इसकी कांस्टेंट टर्म है थ्री एक्स फाइव वाई टर्म्स है और टू भी टर्म है बट इट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है वेरिएबल कोई भी अन वैल्यूज हो सकती है तो अल्जब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल हो सकता है बाइनोमियल हो सकता है ट्राइनोमियल हो सकता है अगर तीन से ज्यादा टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे मोनोमियल का एग्जाम्पल लेंगे फाइव एक्स एक टर्म है अल्जब्रिक्स एक्सप्रेशन में तो ये मोनोमियल है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई ये एक बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स है फाइव एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री इस अल्जब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है तो हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे नेक्स्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक दो तीन चार पाँच मीन्स कि तीन से ज़्यादा है तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो इसे कॉमन नेम से हम याद करेंगे पॉलिनोमियल नाउ द क्वेश्चन इज पॉलिनियल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स हो सकती हैं अब किसी का हमें किसी टर्म का कॉफिशेंट देखना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव एक्स वाई ले लिया तो फाइव हमारे पास इसका इस पूरी टर्म का कॉफिशियंट है ये ये इसका कॉफिशियंट है एक्स और वाई वेरिएबल है और किसी भी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव इंटू एक्स इंटू वाई टर्म मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइव एक्स वाई जो टर्म है इसके फैक्टर्स है पांच एक्स और y. तो आइडेंटिटी है आइडेंटिटीज आर इक्वालिटीज विच आर ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स तो आइडेंटिटी हम कौन कौन सी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स ए प्लस बी यूनिक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सम ऑफ टू टर्म्स और उसका स्क्वायर तो जब सम ऑफ टू टर्म्स का होल स्क्वायर होगा तो पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर फिर प्लस फिर टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इसको हम लिख कर याद करेंगे कैसे इसे याद करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो इसे हम अप्लाई करेंगे एल्ज्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सपोज वी हैव टू एक्स प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म यहां टू एक्स है सेकेंड टर्म थ्री वाई है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स टू एक्स का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म थ्री वाई होल थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म टू एक्स सेकेंड टर्म थ्री वाई मल्टीप्लाई कर लिया अब हम सिंप्लीफाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर मीन्स टू का हमने स्क्वायर करना है देन x का स्क्वायर करना है टू का स्क्वायर फोर हो गया x का स्क्वायर एज इट इज रहा थ्री का अब स्क्वायर करना है नाइन y का स्क्वायर y स्क्वायर टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर एक्स आता है फोर एक्स को फिर हम थ्री वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर थ्री ट्वेल्व एक्स वाई इस तरह से हम इस तरह के अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज करके एक टिपिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वी हैव गिवन x वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फोर और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो हम स्क्वायर किस तरह से आएगा अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेते हैं लेफ्ट साइड भी स्क्वायरिंग कर दिया राइट right साइड भी स्क्वायरिंग कर दिया लिखेंगे कैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो एक्स यहाँ फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म वन अपॉन एक्स है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और राइट right साइड में फोर का स्क्वायर है तो सिक्सटीन एक्स वन वन अपॉन एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स रहेगा वन का स्क्वायर वन होता है और एक्स का स्क्वायर को एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू सिक्सटीन तो सॉल्व करके वन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू करेंगे तो आंसर फोर्टीन आएगा नाउ यूजिंग दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टीन वी विल सॉल्व द for the next algebraic expression that is x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 तो so, हमने फिर से इसको राइट अप करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइट स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद फर्स्ट टर्म यहां पर अब एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यहां पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देन प्लस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और इंटू सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइन्टी सिक्स होता है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया अब एक्स की पावर दो और होल की पावर फिर से टू तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स की पावर फोर 1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर हो जाएगा टू आ जाएगा वन नाइन्टी सिक्स होगा एक्स की पावर फोर वन अपॉन एक्स की पावर फोर वन नाइन्टी सिक्स में से टू को माइनस किया तो आंसर वन नाइन्टी फोर आ गया इसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी है द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म बी ए माइनस बी होल स्क्वायर तो इसमें भी हम किस तरह से करेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस टू इन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब हम माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा प्लस के केस में यहाँ प्लस टू ए बी होगा माइनस के केस में यहाँ माइनस टू ए बी होगा अब एक क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं सपोज वी हैव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारी थ्री एक्स स्क्वायर है सेकेंड टर्म फोर है तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस टू फर्स्ट टर्म थ्री एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म फोर ये माइनस हमने यहां ले लिया है तो हमें फिर फोर के साथ माइनस नहीं लेना है अब ये जो स्क्वायर है पहले थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन थ्री टू जार सिक्स एक्स स्क्वायर जब हम सिक्स एक्स स्क्वायर को फिर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स की पावर यहां पर टू है फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर नाइन एक्स की पावर फोर ये था इन टू सिक्सटीन अब रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना है जब भी आंसर लिखना है नाइन एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स वेरिएबल कैरिंग कैरिंग हाइएस्ट पावर सबसे पहले हमने वो टर्म लिखनी है फिर वो टर्म जिसमें वेरिएबल की डिक्रीजिंग uh, ऑर्डर में पावर है पहले पावर चार आएगी फिर दो आएगी फिर कांस्टेंट आएगी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट है